नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। रावतपुरा सरकार का चातुर्मास इन दोनों टीकमगढ़ जिले में चल रहा है। इसमें शामिल होने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहां पर पहुंचे और उसके बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। कहा कि भाजपा को तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के समय पर जो काम हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है और जो झूठे वादे हुए हैं, उसको लेकर जनता पूरी चीज़ें समझ चुकी है। टीकमगढ़ जिले के छेपरी गांव में चल रहे रावतपुरा सरकार चातुर्मास कार्यक्रम के दौरान शामिल होने हुए आए प्रदेश के गृह मंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों से, नौजवानों से और महिलाओं से झूठ बोलकर पूरा मामला और माहौल तैयार कर दिया है। अब चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे बेरोजगारी के मामले में कहा कि कांग्रेस को बेरोजगारी के मामले में कहने का हक इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने लिखित में नौजवानों से झूठ बोला। उन्होंने कहा कि हम घर बैठे नौजवानों को 4,000 रुपये प्रति महीने देंगे, लेकिन किसी को भी नहीं दिया। पिछले 15 महीनों में एक भी नौकरी नहीं निकाली। ऐसी पार्टी नौजवानों की बात कैसे कर रही है? महाराज जी का आशीर्वाद लेने आया था। परम पूज्य महाराज जी विराजमान है, चातुर्मास कर रहे हैं और इसलिए उनके सानिध्य में आया था। भाई साहब, उपचुनाव आने वाले हैं, क्या भाजपा की तैयारियां हैं? कांग्रेस जिस तरीके से कमर कस चुकी है और उनका हमारी तैयारी कांग्रेस ने पूरी कर दी है। किसान से झूठ बोल के, नौजवान से झूठ बोलकर, महिलाओं से झूठ बोलकर, इसलिए हमको तैयारी की ज़रूरत नहीं है। अब तो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित जीत है। कांग्रेस का सर कहना है बेरोजगारी बढ़ी है और सरकार बेरोजगार ध्यान नहीं दे रही, खास तौर से युवाओं पे, युवाओं को लेकर बेरोजगार हो रहे हैं। कांग्रेस को कहने का हक इसलिए नहीं है बेरोजगारी के बारे में कि वही कांग्रेस है जिसने एक लिखित में झूठ बोला नौजवान से। उन्होंने कहा कि हम नौजवान को घर बैठे 4,000 रुपये महीना देंगे, नहीं दिया। एक को भी दिया हो तो बोले इस बात को, नहीं दिया। वो अगर कहते थे कि वो रोजगार देंगे, अगर एक भी नौकरी 15 महीने के कार्यकाल में निकली हो फिर बोले इस बात को। जो व्यक्ति ने लिखित में झूठ बोला वो कैसे नौजवानों की बात कर सकता है?